हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हथौड़ा बम। तो मैंने दो बोल्ट और एक नट ले लिया है। ये ऐसी शेप का कुछ होना चाहिए। तो मैंने, आप जैसा देख रहे हैं, ये कुछ वायर टाइप का मैंने बनाया था। ये मैंने इसको बहुत बढ़िया लुक देने के लिए, आप सोच रहे होंगे कि किस लिए मैंने बनाया था, तो मैंने इसके हैंडल के लिए बनाया था, इसका हैंडल बनाने के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा दिखे। तो मैंने ये बोल्ट को इसमें ऐसे कस लूँगा और प्लास की मदद से बहुत बढ़िया से टाइट करूँगा ताकि ये बाहर नहीं निकले। देखिए, अब थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है, एकदम टाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर आप इसके जगह पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये नट लिया है और नट को भी ऐसे कस लेंगे और इसको प्लास्टिक की मदद से और ज़्यादा टाइट कर लेंगे ताकि ये भी नहीं निकले। तो जैसा कि आप देखें, ये हमारा थोड़ा बम आधा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बोल्ट को इसमें ऐसे कस लेंगे। उसके पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसके मसाले हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे चार माचिस से उनसे मसाले निकालूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। धीरे धीरे मैंने प्लास्टिक की मदद से निकाल रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने मसाले निकाल लिए हैं। मैंने चार तिल्लियों में से मसाले निकाले थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कागज़ की मदद से उस थोड़ा बम में भर लेंगे। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने भर रहा हूँ उसी तरह आप भी भर लेंगे। ये लगभग भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बोल्ट से इसको कस देंगे। लेकिन एक बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये बोल्ट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, नहीं तो ये आपका सही से वर्क नहीं करेगा। मैंने देखिए बहुत जोर से कस लिया है। अब हम इसका टेस्ट करके देखेंगे कैसा यह काम करता है। जैसा कि आपने देखा, जो हमारा हथौड़ा बम था कितनी जोर से आवाज किया था, आपको कैमरे में पता नहीं चला होगा, लेकिन असल में बहुत तेज थी। मेरे समय कान सुन हो चुका है और इसमें का जो बोल्ट था वो इतनी दूर जाके गिरा है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।